नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। विभिन्न राज्यों में राज्यसभा की खाली सीटों पर हो रहे उपचुनाव के लिए आज नामांकन के आखिरी दिन उम्मीदवारों ने अपने पर्चे दाखिल किए। इस क्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा और उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता मनन कुमार मिश्रा ने बिहार से राज्यसभा की 2 रिक्त सीटों के लिए हो रहे उपचुनाव के वास्ते अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा सहित राज्य में NDA के कई अन्य शीर्ष नेता दोनों उम्मीदवारों द्वारा नामांकन पत्र दाखिल करने के समय बिहार विधानसभा सचिवालय में मौजूद थे। हम आपको बता दें कि BJP के विवेक ठाकुर और RJD की मीसा भारती के लोकसभा के लिए चुने जाने के कारण राज्यसभा की रिक्त हुई सीटों पर उपचुनाव आवश्यक हो गया था। मनन कुमार मिश्रा ने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत 2009 के लोकसभा चुनाव में बसपा के टिकट पर वाल्मीकि नगर से चुनाव लड़कर की थी, पर वह हार गए थे। 5 साल बाद वह BJP में शामिल हो गए। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रमुख मिश्रा ने कहा कि राज्यसभा के लिए उन्हें दिया गया यह मौका देश की करीब 25 लाख की मजबूत कानूनी बिरादरी के लिए सम्मान की बात है। उन्होंने कहा कि वकीलों को प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा की उम्मीदों पर खरा उतरना चाहिए। वहीं राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख कुशवाहा ने कहा कि उच्च सदन के सदस्य के रूप में वह न्यायिक सुधारों और कॉलेजियम प्रणाली को खत्म करने के लिए जोर देंगे। नरेंद्र मोदी की पहली सरकार में राज्य मंत्री रहे कुशवाहा ने इस अवसर पर कहा, मैं हमेशा कॉलेजियम प्रणाली के खिलाफ आवाज उठाता रहा हूं, अब मेरा संघर्ष सड़क से संसद तक जारी रहेगा। NDA के सभी नेताओं का धन्यवाद, प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, अमित शाह जी, नड्डा साहब, सारे लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। NDA में चिराग पासवान जी, मांझी जी, सब लोगों का, NDA के सभी कार्यकर्ताओं का, NDA समर्थक सभी जनता का, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के तमाम कार्यकर्ताओं का, सभी समर्थक लोगों का, सब लोगों का हृदय से धन्यवाद है। नई जवाबदेही मिलने जा रही है, उस जवाबदेही का निर्वहन बिहार के इंटरेस्ट में, लोगों के इंटरेस्ट में, देश के इंटरेस्ट में पूरी मजबूती से की जाएगी। ये NDA ने हमेशा समाज के सभी वर्ग को जोड़कर ले चलने का काम किया। निश्चित रूप से अभी इस काम से, NDA के इस निर्णय से विधानसभा चुनाव में जबरदस्त रूप से फायदा होगा। और सीधे तौर पे कहा जाए तो NDA की सरकार बहुत ही ढंग के बहुमत से इस बार फिर बिहार में बनेगी। वहीं हरियाणा की बात करें तो आपको बता दें कि BJP नेता किरण चौधरी ने राज्यसभा उपचुनाव के लिए पार्टी उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया। जननायक जनता पार्टी के कुछ बागी विधायकों ने भी उनकी उम्मीदवारी का समर्थन किया है। किरण चौधरी के नामांकन पत्र दाखिल करने के समय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, प्रदेश BJP अध्यक्ष मोहन लाल बडौली, पार्टी के कई विधायक, राज्य के लिए पार्टी के सह चुनाव प्रभारी विप्लव कुमार देव और जजपा के कुछ बागी नेता मौजूद थे। मुकाबले की स्थिति में BJP के पास संख्या बल है, विपक्ष के उम्मीदवार उतारने की संभावना नहीं है। ऐसे में चौधरी का उच्च सदन में निर्विरोध प्रवेश करना तय है। हम आपको बता दें कि कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा के रोहतक लोकसभा सीट से निर्वाचित होने के बाद हरियाणा में राज्यसभा की एकमात्र सीट पर उपचुनाव की जरूरत पड़ी। दूसरे और केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन ने मध्य प्रदेश से राज्यसभा सीट के लिए होने जा रहे उपचुनाव के वास्ते BJP उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। BJP ने मंगलवार शाम को मध्य प्रदेश से राज्यसभा सीट के लिए कुरियन को अपना उम्मीदवार घोषित किया था। यह सीट ज्योतिरादित्य सिंधिया के लोकसभा के लिए चुने जाने के बाद खाली हुई है। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी तथा अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री कुरियन बुधवार को सुबह भोपाल पहुंचे, जहां प्रदेश BJP प्रमुख VD शर्मा ने उनका स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री मोहन यादव से राज्य की राजधानी में उनके आधिकारिक आवास पर मुलाकात की। हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की 230 सदस्यीय विधानसभा में BJP के 163 विधायक, कांग्रेस के 64 और भारत आदिवासी पार्टी का 1 विधायक है। फिलहाल 2 सीटें खाली हैं। वहीं कुड़मी समुदाय की प्रमुख नेता ममता मोहंता ने ओडिशा से राज्यसभा उपचुनाव के लिए BJP उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया। विधानसभा परिसर में नामांकन पत्र दाखिल करते समय मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और कई सांसद, विधायक और मंत्री मोहंता के साथ थे। ओडिशा के 147 सदस्यीय विधानसभा में BJP के संख्या बल को देखते हुए मोहंता का उपचुनाव जीतना और राज्यसभा सदस्य निर्वाचित होना तय माना जा रहा है। ओडिशा से यह राज्यसभा सीट मोहंता के 31 जुलाई को बीजू जनता दल छोड़ने और उच्च सदन की सदस्यता से इस्तीफा देने के कारण खाली हो गई थी। 1 अगस्त को मोहंता BJP में शामिल हो गई थी। इसके अलावा केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने राजस्थान से राज्यसभा उपचुनाव के लिए BJP के उम्मीदवार के तौर पर नामांकन पत्र दाखिल किया। बिट्टू विधानसभा भवन पहुंचे और निर्वाचन अधिकारी महावीर प्रसाद शर्मा के कार्यालय में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस अवसर पर उनके साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा और दिया कुमारी तथा संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल भी मौजूद थे। विधानसभा में उन्होंने BJP विधायक दल की बैठक में भी भाग लिया और उन्हें राजस्थान से राज्यसभा उम्मीदवार बनाए जाने पर पार्टी का आभार जताया।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, अन्य नेताओं और विधायकों ने बिट्टू को बधाई दी। शर्मा ने विधायक दल की बैठक को संबोधित भी किया। इस अवसर पर बीजेपी की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य मदन राठौड़ भी मौजूद थे। हम आपको बता दें कि राजस्थान से राज्यसभा की सीट केसी वेणुगोपाल, जो कि कांग्रेस के हैं, उनके लोकसभा सदस्य चुने जाने के बाद इस्तीफा देने से खाली हुई है। इस सीट पर सदस्यता का कार्यकाल 21 जून 2026 तक रहेगा। बिट्टू ने उम्मीदवार बनाए जाने पर पार्टी का आभार जताया। बीजेपी के ऑफिस में खड़ा हूँ, इस सारी बीजेपी प्रधानमंत्री जी, नड्डा जी, अमित शाह जी, हमारे मुख्यमंत्री साहब, हमारे प्रधान जी और तकरीबन सारे हमारे एमएलए, मेरे साथ हमारे नौजवान एमएलए भी हैं। तो क्योंकि इसमें राज्यसभा में एमएलए की वोट डलती है, तो वो एमएलए जिसके पास नंबर होते हैं उसका ही राज्यसभा का मेंबर बनता है। तो यहाँ पे बीजेपी बहुत मजबूत है और बीजेपी के आज एमएलए सब अपने अपने, क्योंकि जब नॉमिनेशन करना होता है उनके साइन होते हैं, उनको साथ में जाना होता है। तो मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ जिसके साथ आज प्रदेश के, राजस्थान के मुख्यमंत्री, उसके बाद दो डिप्टी मुख्यमंत्री, प्रधान जी और सारे कैबिनेट और मंत्री साथ गए। इससे बड़ी मेरे लिए और खुशी क्या होगी। आज हर बीजेपी का अहदेदार, वर्कर, अलग अलग डिपार्टमेंट, सेल, सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। ये खुशी है, एक त्यौहार की तरह एक रिश्ता है, जो मतलब यही एक बात आप समझिए, हमारे देश की सभ्यत क्या है, हमारे देश का खास क्या है, यही है। अभी हम आम अलग अलग प्रदेशों से बने हुए हैं लेकिन एक देश है। गुलाब चंद कटारिया जी सबसे पुराने लीडर यहाँ के, आज गवर्नर पंजाब और एडमिनिस्ट्रेटर यूटी के बने चंडीगढ़ के, वो वहाँ चले गए, जो 8 बार यहाँ से एमएलए बने। और मुझे बीजेपी ने यहाँ राजस्थान में मौका दे दिया मैं राज्यसभा में आने का। इसलिए ये देश अलग अलग रंग, अलग अलग स्टेट, अलग अलग जात, अलग अलग बरादरी, लेकिन देश के नाम पर सब इकट्ठे हैं। आज जो पंजाब की पगड़ी और राजस्थान की पगड़ी, मैं उसको बहुत आज समझता हूँ, उसके रंग और गूढ़े होंगे। और पंजाब और राजस्थान हमेशा बॉर्डर पे भी सुरक्षा करता है, बॉर्डर पे भी दुश्मन को चित करता है। उसी तरीके से हम आगे आने वाले दिनों में भी राजस्थान का नाम और राजस्थान के लोगों का नाम और सुनहरी अक्षर में लिखा जाए, और यहाँ पे डेवलपमेंट, चाहे रेलवे की हो, जो मेरे पास मिनिस्ट्री है, फूड प्रोसेसिंग की हो, ये सब काम मिलके हम आगे बढ़ाएंगे। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।